खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन को लॉन्च किया। इस दौरान नड्डा ने कहा, यूपीए का मतलब है उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। नड्डा ने कहा, गहलोत सरकार ने पक्षपात करने का काम किया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में वसुंधरा सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई। गहलोत सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया। नड्डा ने कहा, गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। वहीं बांग्लादेश से आए रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया। उनकी वोटर आईडी और आधार कार्ड बनाने का काम गहलोत सरकार ने किया है। नड्डा ने कहा, ये गहलोत सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है। दिल्ली को पैसा भेजने और गरीबों का हक मारने वाली सरकार है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। नड्डा ने कहा, गहलोत को हमें नवंबर में घर बैठाना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राम मंदिर बनाने का हम सबका सपना था, वो पूरा हो रहा है। केदारनाथ उज्जैन का जीर्णोद्धार हुआ है, हम पुष्कर तीर्थ का भी जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार ने 40 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।